शिवानी शिवानी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पांच में। अच्छा, आज पहली बार आई हो स्कूल? हाँ, एक साल से हम घर बैठे थे, आज पहली तारीख से खुला था। अच्छा, आज खुला है स्कूल, तो कैसा लग रहा है स्कूल आके? अच्छा लग रहा, कितनी दिक्कत होती थी पढ़ाई में? बहुत बहुत। होती थी? क्या क्या दिक्कत होती थी? समझ नहीं आता था? फोन में फोन भी नहीं था, समझ में भी नहीं आता तो आज स्कूल में आई हो था जी। तो इंतजार क्या कहते क्या क्या रख रही हो? हाथ सैनिटाइज कर रही हो? मास्क लगा के रख रही हो? जी हैं, अच्छा लग रहा है स्कूल में आकर? जी क्या नाम है तुम्हारा? सैफ रहमान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांच में अच्छा, तो कैसे बारे आए स्कूल? हाँ, कितने दिन बाद आए? तो एक साल के बाद। कैसे कर रहे थे अब तक पढ़ाई? घर पे ही कर रहे थे? हाँ, परेशानी हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी? बोलो क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी हो रही थी, मोबाइल भी नहीं था पढ़ाई में। तो आज आए हो स्कूल में, तो हाँ, किन बातों का ध्यान रख रहे हो? बचना करनी मास्क लगा रहे है, हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हो? सैनिटाइज कर रहे हैं। नरगिस फातिमा, इंचार्ज अध्यापिका। कौन से स्कूल में? मैं देहरी गुलाबबाड़ी प्राइमरी पाठशाला देहरी गुलाबबाड़ी नगर सरकारी? क्षेत्र मुरादाबाद सरकारी स्कूल में है तो आज से स्कूल खुले हैं? जी। ये सामने है कि हमारी राइट काट दी गई है, एक हफ्ता हो गया। मैं विभाग से ऑर्डर ले आई हूँ, मगर वो अभी आज मैं फोन करूँगी तब वो आएंगे, अभी आए नहीं है जोड़ने के लिए। तो आप किस चीज़ की लाइन काट दी गई है? लाइट हमारी काट दी गई है। लाइट काट दी गई? तो कितनी दिक्कत हो रही है लाइट काटने की? लाइट काटने से हमारे कमरों में अंधेरा रहता है, इसलिए बच्चों को बिठाने में पढ़ाने उसमें परेशानी हो रही है तो आज परेशानी हो रही है? जी। हमारे पास दो ही क्लास हैं और 50% बच्चों को रखना है, तो हम मतलब एक कमरे में अंधेरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम कैसे बैठाएं बच्चों को? देख नहीं पा रहे बच्चों को? जी रोशनी नहीं आ पाती कमरे हाँ, में? रोशनी नहीं आती कहीं से। तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? अब इसलिए एक ही कमरे में बच्चों को बिठा रखा है। तो बिजली विभाग वाले को कहा तो क्या कह रहे हैं वो? बिजली विभाग वाले ने कहा कि हम आप पेमेंट बिजली विभाग वाले क्या कह रहे हैं? बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि मतलब जब आप मतलब पेमेंट हो जाएगा तब हम आपकी लाइट जुड़वा देंगे। तो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है सर, तो 5828 का बिल है आपके स्कूल का। जी, कौन जमा करता है ये? ये विभाग वाले करते हैं, हमारे BSS सर करते हैं सर। बीएसए शिक्षा विभाग? जी, BSS शिक्षा विभाग। तो अभी तक वो नहीं हो पाया है? नहीं, वो विभाग से आदेश आया हुआ है, अभी हो नहीं पाया है। जी हमारे यहाँ एक कक्षा एक से पाँच तक बेसिक शिक्षा विभाग में 1,40,146 बच्चे हैं। 1 मार्च से हमारे विद्यालय एक से पाँच तक के खुल रहे हैं। हम लोग प्रेरणा ज्ञानोत्सव के रूप में ये मना रहे हैं। और इसमें आज कैसे कैसे बच्चों का डिवाइड किया है? इसमें आज हमारे यहाँ कक्षा एक के और कक्षा पाँच के बच्चे जाएंगे जो ऊपर से दिशा निर्देश हैं। और उसके बाद ऐसे ही एक दो दो कैसे कर जी, जैसे सोमवार और बृहस्पतिवार को 1 से 5 तक के हैं, मंगलवार और शुक्रवार को 2 से 4, 2 और 4 के हैं, और बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 के बच्चे जाएंगे। तो क्या निर्देश दिए गए हैं जी? निर्देश ये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, अभिभावकों से संपर्क में रहें, और अगर कहीं पे समस्या हो तो तुरंत अपने चिकित्सीय टीम जो हमारे डॉक्टरों की है उनके संपर्क में रहें। तो अभी कुछ विद्यालयों के बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, ऐसे जो शहरी क्षेत्र में अंधेरा हो गया है, तो कितने विद्यालयों के ऐसे कनेक्शन हैं जो? जी हमारे अभी 12 विद्यालयों के कनेक्शन काटे हुए हैं। हमने बिजली विभाग से रिक्वेस्ट भी की थी कि बिल जैसे ही आ जाएगा हम जमा कर देंगे, पुनः अनुरोध हमने किया है उनसे, तो जैसे ही हमारे पास बजट आएगा हम उनका पैसा जमा कर देंगे। तो अभी जो है रिक्वेस्ट भेज दी गई है? जी हाँ बिल्कुल, और मैं अभी फिर जाऊंगा बिजली ऑफिस में।